नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ रोहित रंजन, इस वक्त मैं हूं अलीगढ़ में। और देखिए, अलीगढ़ में गर्दा उड़ा देने की पूरी तैयारी हो चुकी है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। लोग मेरे साथ हैं, तो क्या गर्दा उड़ाने को तैयार है? तो भाई जोश तो हाई रखना होगा, तभी गर्दा उड़ेगा। तो गर्दा उड़ाने की शुरुआत सबसे पहले करते हैं। चलिए, गर्दा उड़ाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो है, यहाँ से बहुत ज्यादा जोश दिख रहा है। इस बार कैसे गर्दा उड़ा रहे हैं? इस बार समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतकर गर्दा उड़ा देगी। गर्दा उड़ा देगी, अच्छा गजब हो गया। गर्दा उड़ने वाला है भैया। हाँ, जो अपने पिताजी का नहीं हुआ वो जनता का क्या? फिर गर्दा कैसे उड़ेगा? वो तो बोल रहे उड़ाएंगे। वो योगी जी के आगे कोई नहीं टिका है, ना कोई टिकेगा। 400 से ज्यादा हारेंगे तब गर्दा उड़ेगा उनका। वैसे गर्दा उड़ते हुए मैंने भी देखा, अलीगढ़ आते आते गड्ढों में गर्दा उड़ते हुए देखा। तो ऐसे ही गर्दा उड़ेगा क्या चाचा? गर्दा इस समय उड़ेगा, 400 पार आएगी। किसकी? समाजवादी की। तो ये बोलना भूल गए आप, जोर से बोलिए फिर। हाँ देखिए, फिर भी मुस्कुरा नहीं रहे। समाजवादी कहेगी तो भैया 400 से पार समाजवादी, 400 से पार बीजेपी। तुम तो यूथ हो दोस्त, इस बार वोट दोगे ना? वोट पहली बार दोगे? पहली बार। तो क्या सोच के दोगे? जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, जो मोदी योगी जी। अच्छा, तो वो गर्दा उड़ाएंगे? हाँ वही उड़ाएंगे। इस बार गर्दा दे तुम्हें उड़ाना है? हाँ, सीट आपके। अच्छा, तुम भी पहली बार दे रहे हो? जी। तो गर्दा उड़ाने को तैयार? जी। किस मुद्दे पे गर्दा उड़ाऊं? जी, मेरा मानना यह है कि जो स्टूडेंट्स के लिए काम करेगा उसको वोट देना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी की टाइम में अभी कैसे कुछ ऐसा हुआ नहीं है। मुझे लगता है जो हमको मोबाइल फोन और टैबलेट दिए जा रहे हैं, वो भी एक लॉलीपॉप हमको दिया जा रहा है, ताकि हम जो लैपटॉप दिया गया था वो लॉलीपॉप था क्या? जी, उस टाइम तो मैंने वोट ही नहीं दिया था। तो मुझे इस बार देखना है कि लैपटॉप मिलता है कि मोबाइल मिलता है। पर उन्होंने सर उस टाइम पे फोन दिए थे, लैपटॉप दिए थे जब उनको वो इलेक्ट हो चुके थे, लेकिन उन्होंने तो एकदम जब आचार संहिता लगने वाली है तब ये फोन दिया। देखिए, बच्चा भी बहुत कुछ बोले। एक सेकंड पहले जरा सर जरा गर्दा उड़ाने वाले फॉर्मूले पे जाने। एक तो यूथ देखे और आपका अनुभव है, तो इस बार गर्दा कैसे उड़ रहा है? देखिए, मैं तो 44 साल के अपने सार्वजनिक जीवन में ये कह सकता हूँ कि अखिलेश यादव अभी बिल्कुल बच्चे की तरह हैं। मोदी जी ने और योगी जी ने जो जाल बिछाया था उसमें वो फंस गए। अच्छा। और वो विकास के मुद्दे से लेकर जिन्ना के मुद्दे पर आ गए। अच्छा। तो वो तो परास्त हो ही गए। अच्छा। अच्छी कार्ड दे सकते थे, अच्छा टक्कर दे सकते योगी जी को। अच्छा। लेकिन वो टक्कर देने की स्थिति में बचे ही नहीं। यानी जिन्ना इस बार गर्दा उड़ा देगा? जिन्ना का नहीं, मैं आपको जैसे भाई लोग कह रहे थे कि योगी सरकार ने, भाई बीजेपी सरकार ने क्या दिया, मैं उनको बता देना चाहता हूं। इसी प्रांगण में जब 12 साल हम छात्र सपार बसपा की सरकार ने पीटे और हम यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे थे, वह राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी योगी जी ने दी, इसलिए बीजेपी गर्दा उड़ाने वाली। आगे आइए भैया, कहां गर्दा उड़ाने के लिए आपको आगे रहोगे? कैसे गर्दा उड़ना है? गर्दा नहीं, समाजवादी पार्टी का गुर्दा उड़ेगा। गुर्दा उड़ेगा? देखिए ऐसा है, आज आपने देखा होगा सुबह चल रहा है टीवी पे कि सीबीआई और ईडी भी चुनाव में कूद चुकी है ना। जिन लोगों का छापेमारी कराई जा रही है, और जो बताया मेरे भाई, छोटे भाई ने बताया अभी कि लैपटॉप और लॉलीपॉप दिया जा रहा है, और ये कह रहे हैं हमने इलेक्टेड होने के बाद 2012-17 तक हम लोगों ने 55 लाख लैपटॉप बांटे हम लोगों ने। तो वो लॉलीपॉप था? नहीं, लॉलीपॉप नहीं। लॉलीपॉप कहाँ हुआ? इलेक्ट होने के बाद कंटिन्यू पूरी 5 साल बांटा ना, ये 4 साल नहीं बांटा इन लोगों ने। इन्होंने कहा कि हम डाटा भी देंगे, डाटा और लैपटॉप भी नहीं दिया, और 4 साल जो है अब लास्ट टाइम पे दे रहे हैं। अरे वाह, देखिए शानदार गॉगल्स लगा के, एकदम सही बात है, गर्दा उड़ा दिए आप तो। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं टक्कर में, योगी जी आएंगे। अच्छा, योगी जी आएंगे, गर्दा उड़ा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे। अखिलेश जी ने 9 विश्वविद्यालय, राम मंदिर की बात करने लगे। नहीं, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, भाजपा ने क्या किया? मथुरा वाला मुद्दा भी तो उठा दिया, वो तो बीजेपी का। मथुरा वाला देखिए, भाजपा पे केवल जिन्ना पाकिस्तान। जिन्ना कौन लेकर आया सर? अखिलेश यादव नहीं तो जिन्ना? जिन्ना का अखिलेश जी ने सिर्फ ये कहा है कि भाजपा इतिहास पढ़े। उसमें जिन्ना का चर्चा करना जरूरी है? जिन्ना हीरो बन सकता है क्या? जिन्ना इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अखिलेश जी ने सिर्फ जिन्ना की हिस्ट्री के बारे में कहा। अखिलेश जी को जिन्ना से प्यार नहीं है। अखिलेश जी ने सिर्फ हिस्ट्री की बात। एक सेकंड आ रहा हूँ। भाई साहब एनजीओ चलाते हैं आप, ठीक है? तो गर्दा उड़ेगा इस बार? बिल्कुल उड़ेगा। और देखिए, ये जनता जान चुकी है, समझ चुकी है कि देश के मुद्दे, विकास के मुद्दे, राष्ट्रवाद के मुद्दे कौन उठाता है, उसी पार्टी को वोट देगी जनता। ये बाकी के लोग जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, आपने देखा कल भी जो है आवारगी कह रहे हैं कि लड़कियां आवारगी करेंगी अगर एज बढ़ जाएगी तो। एक कांग्रेस के विधायक वहां पर कर्नाटक विधानसभा में रेप पर इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो ये लोग समझ चुके हैं कि मानसिकता क्या है। इस बार विकास के मुद्दे पर, देश के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे
मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव होगा और उसमें भाजपा को लोग वोट देंगे, भाजपा को लोग वोट देंगे, भाजपा गर्दा उड़ाएगा। हाँ भैया, आप किसका गर्दा उड़ा रहे हैं? आपका योगी जी का गर्दा उड़ेगा और योगी जी पूरी इसमत महोत्सव के साथ आएंगे। अभी जो मैं भी यहाँ पर डीएस कॉलेज में सुन रहा हूँ, जितना काम माननीय योगी जी ने 4.5 साल के अंदर किया किसी ने नहीं किया। अखिलेश ने सिवाय दंगों के अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नहीं किया। 5 साल में 500 दंगे योगी जी ने करवाए। एक सेकेंड। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम शकील है। शकील है, तो इस बार गर्दा उड़ाएंगे आप भी? देखिए, 2017 के इलेक्शन में मोदी जी के नाम पे इलेक्शन चला था और उन्होंने उनको योगी जी को कमान सौंप के मुख्यमंत्री बनाया। आज योगी जी ने उत्तर प्रदेश में वो काम किया जो किसी मुख्यमंत्री ने। अरे भैया, ये देखिए एक बार बीच में आइए। तो ये तो लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम बढ़ जा रहा है इस बार। नहीं, ये नाम फिर से बताइए एक बार, नाम फिर से उड़ाइए, गर्दा उड़ा दिया। मेरा नाम शकील है। अच्छा, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 2014 में जब मोदी जी ने चुनाव लड़ा, विपक्षियों ने यही हवा उड़ाई थी कि मोदी जी खा जाएंगे मुसलमानों को। लेकिन आज मुसलमान जानता है कि अगर हिंदू को दिया तो मुसलमान को भी दिया है। ये तो गर्दा उड़ा रहे हैं और हम ये तो गर्दा उड़ा रहे हैं। सबका साथ मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अच्छा, एक सेकेंड। मेरा ये कहना है कि जो व्यापार मंडल से हूँ मैं, जो व्यापारी हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। व्यापारी ही एक राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी का अगर किसी ने नुकसान करने की कोशिश कर रही वो देश पर राज नहीं कर सकता है। आज मैं देख रहा हूँ कि देश में प्रत्येक पार्टी, कोई चना फ्री, कोई घी फ्री, कोई तेल फ्री, कोई लैपटॉप फ्री, ये सब चीज़ फ्री हो जाएगा। तो बीजेपी भी कर रही है, तो वो जो व्यापारी है क्या करेगा? व्यापारी अपनी दुकान करके क्या? तो व्यापारी कहाँ गर्दा उड़ाने वाला, मैं तो ये जानना। व्यापारी के हित की कोई बात करेगा तो मतलब किसी को वोट नहीं देंगे? नहीं, वोट तो हम देंगे, पर ऐसे आदमी को देंगे फ्री। कौन 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 पार्टी है ये आपके पास? तो आप देखिए, आम आदमी भी ऑप्शन है, कांग्रेस भी है, व्यापारी है, मतलब पार्टियां जितनी है, जो पार्टी जितनी है, फ्री का फ्री में माल देना बंद कर दे। व्यापारी का काम गरीब के घर में, जो कोरोना में सब डूबे थे, एक मिनट, जो कोरोना में डूबे थे। हाँ भाई बताओ, अभी भाई साहब ने कहा, अभी हमारे आप अपनी बात बोलो ना, अपना गर्दा मैं अभी बता रहा हूँ। अभी भाई साहब ने कहा है कि जो भी फ्री देना चाहते हैं ये सब बंद करना चाहिए। सांसद को फ्री में बिजली मिलती है वो बंद होनी चाहिए, सांसद को जितनी फ्री में सुविधाएं मिलती है वो बंद होनी चाहिए। यानी मुफ्त का गर्दा नहीं उड़ेगा, मुफ्त का गर्दा नहीं उड़ेगा। लेकिन जिस तरह से प्रदेश में और देश में देख रहे हैं, जनता को कुछ नहीं दिया जा रहा है, सांसदों को और विधायकों को सारी फैसिलिटी दी जा रही है। इस बार चुनाव होगा, मैं ये कह रहा हूँ, ये नूरा किश्ती का खेल जो खेल रही है कांग्रेस और बीजेपी, ये आपस में कुछ नहीं है। अब सिर्फ जो गर्दा उड़ेगा वो विकास पे उड़ेगा, सिर्फ विकास होना चाहिए। हम किसका बोलेगा, काम किसका बोलेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें से किसी का बहुमत में सरकार नहीं आ रही है जो विकास करेगा, जैसे कोई नई। तो सर, विकास कैसे करेगा? मैं यही तो 2017 में अखिलेश यादव थे, एक सेकंड भैया 2017 में अखिलेश यादव थे, फिर अब योगी जी आ गए, तो विकास मिला? विकास शिक्षा का होना चाहिए। देखो शिक्षा का क्या हालत है और अस्पताल की क्या हालत है, आप देख रहे हैं कोरोना काल में किसी को बेड नसीब नहीं हुए। भाई साहब, अब की बारी ने सारी पार्टियों का ऐसा गर्दा उड़ेगा, आम आदमी पार्टी इस उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। आप दिल्ली से आके गर्दा उड़ा, गरीबों की कोई बात नहीं कर रहा, बेरोजगारों की कोई बात नहीं कर रहा। बहुत देर से बोलना चाह रहा हूँ, नाम बताओ। नाम नितिन चौहान है, मैं जिला चौहान जी बताओ, कांग्रेस पार्टी। चौहान जी बताओ कैसे गर्दा उड़ाना? बड़े भाई, ठीक है। बड़े भाई ने कहा था जो राम को लाए हैं वो ही देश में आएंगे। सुनो, इन्होंने कहा था तो जो ऐसा राम को लाओगे कि हाथरस में एक बच्ची को, दलित बच्ची को जिंदा जला दिया, बताओ उसका अंतिम संस्कार भी हिंदू रीति रिवाज से न हुआ, तो ऐसा राम लाओगे, ऐसा राम राज्य लाओगे कि एक दलित की बेटी को जिंदा जला दिया और हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार भी ना हुआ, तो ये दलित विरोधी सरकार है। देश में दलितों पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो किसके साथ कौन गर्दा उड़ाएगा? तो फिर बहन जी, सबका इनकी तो नहीं है, ठंडे बस्ती में चलेगी। आप आए होगे, देखा होगा चारों तरफ से गड्ढे ही गड्ढे हैं। इनके विधायक जी ने गेट बना दिए कोरोना ना अंदर घुसे, इन्होंने केवल ये गेट से कोरोना ना अंदर घुसे। आइए, तो इस बार गर्दा उड़ा रहे हैं ना? जी बिल्कुल उड़ा रहे हैं। कैसे उड़ेगा? ऐसे उड़ेगा, यहाँ पर जो मेन मुद्दा है ना, हमारे यूपी के अंदर धर्म इतना हावी है, जिसको देखो वो धर्म को लेकर के बात कर रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोग महंगाई को लेकर के बात करें, कि जो मजदूर है आज तेल कहाँ पहुँच गया है, रिफाइंड कहाँ पहुँच गया है, इस चीज़ को लेकर जो भी सस्ताई करे पार्टी उसके साथ जाइए। मैं सपा बसपा हर हर
अरे हर साल रात में पता नहीं है क्या? नहीं मैं पता है, आगे आगे सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इस चीज पे काम करे हमारा वोट उसको जाएगा, चाहे वो सपा हो चाहे। ये बताइए ना, ये जो योजना चल रही है कोविड में, हर घर में जो 5-5 किलो अनाज मिल रहे हैं अब डबल करके मार्च तक मिलेगा, उसका फायदा किसको मिला? उसका सबको मिला है, उसमें मुसलमानों को भी मिला है। बस यही समझ रहा था। गर्दा उड़ेगा ना इस बार? कोई गर्दा नहीं उड़ेगा। इस प्रदेश का युवा, नौजवान, महिला और व्यापारी तमाम सारा वर्ग जानता है कि उनका हित यदि कहीं संरक्षित है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संरक्षित है। हम लोग मुद्दों की बात करें, आप लोग एजुकेशन को उठा लीजिए, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को उठा लीजिए, अलीगढ़ का युवा इससे सिर परिचित नहीं है। अरे भैया एक बात बताओ, मैं जब आ रहा था तो पता चला कि यहाँ AMU है तो बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत नहीं होती होगी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि AMU में तो 2% छात्र पढ़ते हैं, तो पढ़ाई में दिक्कत है यहाँ? हाँ दिक्कत है। अब देखिए, अब ऐसा है ना कि आपके आप एक सेकेंड, आप नारेबाजी करेंगे या यहाँ के मुद्दों को सुनेंगे? एक यूथ बोल रहा है, उसके एक सेकेंड सर, उसकी शिक्षा की, क्या शिक्षा के मुद्दे पे बात ना करें, नहीं करें सर? सुनिए तो सही, एक बार आप बोलिएगा, मैं सबके मौके दे रहा हूँ। अरे भाई साहब आपको भी मौका दूंगा, आप अपनी बात रखिए। हाँ भैया बताओ क्या दिक्कत है? पढ़ाई लिखाई सब ठीक ठाक है अलीगढ़? पढ़ाई लिखाई अलीगढ़ में ठीक ठाक है, लेकिन AMU को छोटा पाकिस्तान कहा जाता है। AMU में सिर्फ हिंदुओं को बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, हिंदुओं को वहाँ पे नए एडमिशन मिलते हैं, वहाँ पे सिर्फ मुसलमानों का वो रहता है। अच्छा तो ये पढ़ाई में भी हिंदू मुसलमान लाना जरूरी है क्या? सरकारें ला रही हैं, सरकारें ला रही हैं, समाजवादी सरकार। हाँ भैया, अभी आप देख सकते हैं, अभी लगातार दो हमारे सबसे बड़ी मुद्दा क्या है युवाओं का? बेरोजगारी, महंगाई। जो BJP ने कहा था वो किया, महंगाई। भैया रुक जाइए, आप बोलने दीजिए, या तो बोलने दीजिए, आप बोल लीजिए। अगर गर्दा तो ये भी उड़ाएंगे ना, सुनने दीजिए ना। वोट देने का अधिकार हमें भी है। चलिए अभी अभी क्या हुआ, UP TET सबसे बड़ा मुद्दा था, BJP सरकार को 97,000 जॉब देनी थी, क्या हुआ, UP TET हुआ, रद्द हो गया, पेपर व्हाट्सएप पे घूम रहा था, मतलब जनवरी के तीसरे हफ्ते पे। एक सेकंड, इसमें सबसे बड़े अधिकारी हैं, अधिकारी आपके टॉप लेवल के फंसे हुए हैं, कहां से हैं वो अधिकारी, किसका है ये? कार्रवाई तो सब पे हुई ना, कार्रवाई। सुनिए सर, अब अगर 97,000 हो जाएंगी वादियां, आप ये बताइए महंगाई कंट्रोल हुई क्या? और किसी चीज में महंगाई आ जाए तो कोई नहीं बोलता, किसान रातों दिन मेहनत करता है, उसकी महंगाई को सबको दिखती है, और जब इनकी और कोई चीज गाड़ी महंगी हो जाए और चीज महंगी हो जाए उस पर कोई नहीं बोलता। अब तेल की महंगाई हो गई, टमाटर गायब हो गया, आलू गायब हो गया, तो किसान कहाँ तेल आएगा? उसकी पता है रातों दिन मेहनत करता है वो, तो किसान तो इस बार गर्दा उड़ाएगा। किसान तो गर्दा नहीं उड़ाएगा, किसान का हित अगर कोई सोच रहा है तो मोदी जी के अलावा कोई नहीं सोच रहा, या पुराने किसानों ने सोचा था चौधरी साहब ने? अच्छा ठीक है, एक यूथ और। जी देखिए भारतीय जनता पार्टी, एक सेकेंड, थोड़ा पीछे होइए, ठीक है सर, कोई नहीं सर, वो एक सेकेंड। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का नाम ही दूसरा नाम विकास का नाम है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है, रामराज की बात करती है। अखिलेश यादव को अगर जिन्ना को इतना पसंद है तो पाकिस्तान जाके अखिलेश यादव चुनाव लड़े। अखिलेश यादव ने देश को लूटने का काम करा, देश को खोखला करने का काम करा, भारतीय जनता पार्टी ने विकास का काम करा, रामराज के लिए काम करा, हिंदुत्व के लिए काम करा। ठीक है। यार आप तेल की महंगाई की बात कर रहे हो और सब्जी की महंगाई की बात कर रहे हो, तुम्हारे घर में आतंकवादी बैठ के दिल्ली में आके हमला कर जाते थे, होटल में बम ब्लास्ट कराते थे, तब किसी ने नहीं बोला, और अब अगर तेल महंगा हो रहा है तो उसकी महंगाई सब दिखा रहे हैं। क्या मतलब महंगाई कोई दिक्कत नहीं? महंगाई दिक्कत नहीं है घर में? नहीं ऐसे नारेबाजी नहीं, महंगाई से हमें इतनी दिक्कत नहीं है, हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, और घर में घुस घुस के क्या आतंकवाद फैल रहा था आपके अलीगढ़ में? ठीक है, महंगाई मुद्दा नहीं। आई, बहुत देर से बोल रहा था, बीच में ये गर्दा उड़ाइए। हाँ कैसे गर्दा उड़ाएंगे? देखिए आप लोग बंद हो जाएंगे। एक सेकेंड हो गया। देखिए जो गर्दा उड़ाने वाली बात है तो गर्दा तो 2017 से उड़ी रहा है। एक सेकेंड
नहीं, ये सब ना 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 आप पास नहीं मत होइए, पास नहीं होइए, पास रुके 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 पास रुके रुके पहले हाँ मैं पीछे चले मैं लूँगा। नहीं 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 मैं आप आइए एक सेकंड पहले एक सेकंड मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ पहले पहले चीज़ें ठीक कीजिए पहले चीज़ें ठीक कीजिए आपस में मत उलझो 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 आपस थोड़ा पीछे होइए थोड़ा पीछे होइए थोड़ा पीछे होइए थोड़ा पीछे होइए पीछे होइए थोड़ा थोड़ा पीछे होइए पीछे होइए पीछे होइए पीछे होइए थोड़ा हाँ अब सुनिए 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 देखिए गर्दा तो 2017 से उड़ा है और अतीक अहमद और आजम खान जैसे लोगों का गर्दा उड़ गया। अब बचे केवल हमारे टोंटी चोर भैया हैं और मैं आपको बता दूं जिस महंगाई का रोना लोग कर रहे हैं ना जो लोग महंगाई को रो रहे हैं उनके जेब में 30,000 रुपए के फोन पड़े हैं। कहां है महंगाई इनसे पूछो समाजवादी सरकार में 30,000 का फोन था तुम्हारी जेब में नहीं था। कीपैड वाला फोन चलाते थे। दूसरी बात जल्दी देश का राष्ट्रवादी युवा चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो वो जाग चुका है और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट भाजपा को ही मिलेगा। भाजपा सरकार जिस उस दिन हार गई थी जिस दिन तीनों काले कानून वापस तब चुनाव वापस करवा दे ये सरकार नहीं सर हार तो पहले तक के लिए फिर ये वोटर है अंबानी अडानी के लिए अपने वो काले तो सर अडानी एक सेकंड अडानी अंबानी तो पहले दूसरी बात अखिलेश जी ने महिला सुरक्षा के लिए 100 नंबर एम्बुलेंस एक्सप्रेस वे बिजली परियोजना पहला एक्सप्रेस वे आज जिस पूर्वांचल का इन्होंने उद्घाटन किया है उसका अधिग्रहण अखिलेश जी ने करा। एक सवाल एक सेकंड आइए सर आप ही एंकरिंग कर लीजिए मैं साइड हो जाता हूँ एक मिनट सवाल एक सवाल मेरा है इतना कुछ काम किया उन्होंने तो नारा भी दिया काम बोलता है लेकिन जनता नहीं बोल पाई। नहीं नहीं ये भाजपा ने भाजपा की जो गलत नीतियां थी भाजपा भ्रमित करती है काम नहीं करती है। आज शाहजहांपुर में 2014 में बीजेपी ने भ्रमित किया 2017 में भ्रमित किया 2019 में भ्रमित किया इतनी भ्रमित है जनता रे इतनी भ्रमित है क्या भाई 2022 में भ्रमित नहीं कर पाएंगे ये सरकार फेल हो गई है हर कीमत पर। जिस दिन जौनपुर से अखिलेश भैया ने रैली कर दी थी उस दिन 22 का रास्ता साफ हो गया सपा लेकिन एक बात है अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो फिर शो खत्म। चलिए चलिए जगह पे चलिए इस तरह घेरने से कुछ नहीं होगा। चलिए जगह पे चलिए सर साइड हो जाइए आप लोग पहले साइड होइए प्लीज साइड होइए जगह पे आइए गर्दा उड़ाइए उसके बाद आराम से उड़ाइए। एक सेकंड मेरे मित्र जो समाजवादी सरकार की उपलब्धियों को गिना चना के बढ़ रहे मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ जब ये समाजवादी सरकार में बेहतर शिक्षा की मांग करते थे समाजवादी सरकार ने इन पर मुकदमे दर्ज किए पूछिए ये समाजवादी सरकार छात्र विरोधी सरकार है। सही कह रहे मुकदमे तो भाजपा की सरकार अरे ये सही कह रहे मैं सही कह रहा हूं ये सही मुकदमे कोई सरकार नहीं करती प्रशासन करता है। प्रशासन की जिम्मेदारी किसके पास थी देखिए 12 से 17 के बीच 9 विश्वविद्यालय ठीक है सर क्या हुआ भैया कहां गुस्से में क्यों रिलैक्स पानी मंगाओ हो गया चलो अब गर्दा उड़ाओ। भाई साहब मेरा एक प्रश्न अखिलेश यादव जी से है ये दुनिया को ये कहते हैं कि हम ईमानदार है सबसे बड़े लुटेरे ये माँ बेटे और बाप बेटे दोनों लुटेरे पूरे अलीगढ़ में इनके नेताओं को देखिए कैसे लूट के खा गए कैसे अलीगढ़ में इनके नेताओं ने झूठे मुकदमे लगवाए। एक सेकंड हाँ भाई मतलब काली टोपी तो किसी के पास नहीं है आप लेकर आए हैं गर्दा उड़ाने का ही गर्दा नहीं हमें वो नेता चाहिए जो के वो नेता नहीं जो सलमान खान माधुरी जी चिक्का डांस देख रहे हैं चाहिए जो के विकास कर रहे हैं विकास कर सफाई मॉडल नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं सलमान खान मेरा नाम डॉक्टर नबी हसन है। जितना काम माननीय योगी जी ने 4.5 सालों में किया है मुस्लिम हित के लिए हिंदू हित के लिए सब समाज के लिए अखिलेश जी ने खाली दंगा कराने के अलावा दूसरा काम नहीं किया। एक 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 भैया क्या हो गया आओ यार यूथ कहीं शर्माता है क्या। अरे कम से कम ये तो बताओ इतना अच्छा गोगल लगाए हो एकदम टॉप हो तो भैया सब ठीक ठाक है ना गर्दा उड़ाने के लिए भाजपा आएगी चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाह वाह
अरे पदाधिकारी तो क्या हुआ, घर में तो, घर में तो चूल्हा जल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसे नहीं होगा। कांग्रेस सरकार में जब 400 रुपए का सिलेंडर था तब स्मृति ईरानी रोड पर सिलेंडर लेके बैठती थी महंगाई के लिए, आज जो है 900 रुपए का सिलेंडर है महंगाई नहीं लगती इन लोगों को, अब मर गए जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेकंड, पीछे 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 हो ये तभी आऊंगा, पीछे हो ये पीछे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इधर 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 सभी पार्टी का स्टैंप लगा कर आए हैं आप, अपनी बात आने आए, आपकी बार जो भी आपकी सुनोगे 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 नहीं, आपकी बार जनता ने फूल भी देख लिया, साइकिल भी देख ली, हाथी भी देख ली, आपकी बार गद्दा उड़ेगा झाड़ू का, कोई रोकने वाला नहीं, आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी एक ही विकल्प है, सबको देख लिया, 5 साल उनको देगा, 5 साल इनको देगा। अच्छा वाराणसी भी आए थे वो योगी जी के खिलाफ, उस समय भी क्या हो गया था? 2022 में उन आम आदमी पार्टी जीत रही है उत्तर प्रदेश में, क्या बोलना चाह रहे हैं सरकार? अब की बार गर्दा उड़ाएगा जो बेरोजगारों की बात करेगा, बेरोजगारों की बात करेगा, लेकिन एक बात जरूर तय है कि अलीगढ़ की जनता गर्दा उड़ाने की पूरी तैयारी में है। तो आप देखिए इनके मूड को देखकर यही लग रहा है कि गर्दा तो उड़ेगा। अपना ख्याल रखिए, जी हिंदुस्तान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।